मुझे वैसे फराह खान के घर से खाना आता रहता है, शिल्पा शेट्टी के घर से खाना आता रहता है, श्रुति सेनन के घर से खाना रेगुलर आता रहता है, कॉफी चाय चाय समोसे पकोड़े समोसे आलू पराठा लाइक आई थिंक ये तो फॉरगिवेबल लगती है, चेहरे में लिखा है गाऊ गाऊ इंसान नहीं आता मुकेश, इट्स ओके। विराट कोहली प्लेइंग फुटबॉल, मैंने मुझे लगता है हर इंसान में एक अच्छाई है या अच्छाई हो सकती है, तो आपने अगर उन्होंने कुछ बुरा भी किया है तो उसमें अच्छा देखना चाहिए कि अभी 2 महीने पहले मेरी माँ गुजरी है तो मैं तो घर का खाना ही खाता था, तो अभी मुझे घर का खाना दूसरों घर में ढूंढने के बहुत नया एक शौक लगा कि जो मुझे घर का खाना खिलाना। Hey guys, I'm Piri Jangiani. Hey guys, this is Vivan Batena. Hello, मेरा नाम है मुकेश छाबड़ा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट and you're watching फिल्मी बीट। एक छोटा सेगमेंट है दिस और दैट, सो बेसिकली एक दूसरे को क्या पसंद है, आप लोगों को एक दूसरे के लिए आंसर करना है बेसिकली। ओह माय गॉड, सो फर्स्ट इज मतलब किसको क्या पसंद है, टी और कॉफी, सो उनसे शुरू करते हैं आप। कॉफी लाइक इज अ कॉफी पर्सन, ये तो हार्डकोर कॉफी पर्सन है, आल्सो ही इनटू फिटनेस, तो कॉफी उनको चाहिए होते फिटनेस के टाइम पे। एंड प्रीति को उनको आंसर करना है आपके लिए, मैं ग्रीन सी, आई हैव ग्रीन सी योर कॉफी। फिटनेस की बात हुई तो मैंने पूछा था उनको शो पे कि यार मेरे वेट ही नहीं लूज हो रहा है मेरा, विवान ने कहा था कि क्या होता है जैसे 15 दिन में करवा सकते हैं वेट, यहां विवान करवा रहे आज भी तो मेरे को अच्छा आज से शुरू करो। हां आपने वैसे याद दिला दी ये बात, तो मैं अब उन्हें I'll catch him and I'll make him. But we can't afford him, he's very expensive. I've heard that. I don't know if he likes tea or coffee, but I know he can make you lose weight in 15 days. Okay, Mukesh ji ko ke liye answer karna hai aap logo tea or coffee. कॉफी गए कॉफी चाय चाय समोसे पकोड़े समोसे आलू पराठा लाइक आई डोंट नो। ओके सनराइज और सनसेट, सनराइज फॉर मी आई थिंक, सनराइज सनराइज हम तो 6 बजे उठ के घूम रहे होते हैं। ओके समर और विंटर, विंटर या विंटर 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 इन बॉम्बे विंटर विंटर ऑल विंटर फॉर एवरीवन आई थिंक इट्स इजी। क्रिकेट और फुटबॉल, arm wrestling, Virat Kohli playing football, nahi I don't I honestly I've kind of now cricket football, I think you're more football, ha football ho gaya, main shift ho gaya aur main football se bhi abhi main thoda sa graduate kar raha hu kuch alag cheezon mein kyunki main zyada cricket ho gaya, matlab itna cricket dekhna dekh liya na ki to ye chakde mein bhi to cricketer ban gaya to cricketer to तो मैं कोच आई एम ट्राई टू वॉच अदर थिंग्स आल्सो नाउ, मैं क्रिकेट में बहुत हाँ फाइनल वाइनल्स तो जरूर देख, लूडो लूडो वॉच लूडो हाँ लूडो। ओके इंस्टाग्राम और फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉर मी आई थिंक या इंस्टाग्राम 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 यस। ओके रिवेंज और फॉरगिव, रिवेंज कभी नहीं फॉरगिव, आई थिंक आई थिंक ये तो फॉरगिवेबल लगती है, चेहरे में लिखा है गाऊ गाऊ इंसान कुछ नहीं आता मुकेश, इट्स ओके आई एम नॉट अ डोनर रिवेंज या नो आई थिंक आई डोंट वांट टू साउंड सो बोरिंग, लेकिन मुझे लगता है हर इंसान में एक अच्छाई है या अच्छाई हो सकती है, तो आपने अगर उन्होंने कुछ बुरा भी किया है तो उसमें अच्छा देखना चाहिए कि व्हाई दैट पर्सन डिड समथिंग, मुझे आज वक्त ही नहीं है रिवेंज और इसके लिए, मुकेश के पास दोनों के लिए वक्त नहीं है, वही मैं बोल रहा हूं वो वक्त ही नहीं है उसके पास, वो सब ये सब सोचता ही नहीं होता, हां ठीक है बाद में देखते हैं अभी मैं दूसरा शो का चालू है मेरी कास्टिंग चालू। ओके घर का खाना या बाहर का खाना, वेरी टफ एक्चुअली फॉर मी, टफ बोथ या आई थिंक मेरे लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो गया बिकॉज अभी 2 महीने पहले मेरी माँ गुजरी है तो मैं तो घर का खाना ही खाता था, तो अभी मुझे घर का खाना दूसरों घर में ढूंढने के बहुत नया एक शौक लगा कि जो मुझे घर का खाना खिला सकता है, एक्चुअली हां दूसरों के घर का खाना इज मच मोर फन, या इट्स ऑलवेज फन क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मैंने माँ के हाथ का खाना खाया, सडनली शी इज नॉट देयर एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्चुअली एंजॉय आउटसाइड फूड, बिकॉज या तो मैं उसके हाथ का खाता था या फिर अब मुझे अब प्लीज घर पे ले रहे हो यार, कब मैं सिंधी खाना खिलाती हूँ आपको, सिंधी कड़ी है ना आलू टुक, मुझे वैसे फराह खान के घर से खाना आता रहता है, शिल्पा शेट्टी के घर से खाना आता रहता है, श्रुति सेनन के घर से खाना रेगुलर आता रहता है, फराह खान ने आपसे डब्बा मांगा, अरे यहाँ मतलब इतने डब्बे हैं मेरे घर पे, जब भी मैं किचन में जाता हूँ तो मेरे ऑफिस के लोग बोलते हैं कि सर ये सब फराह खान के हैं, बोला यार एक सेकंड वापस तो कर दो और भी खाना आना है और भी खाना आना है, तो मेरे घर में मतलब लगातार आई एम थैंक यू फरादी के घर से लगातार खाना, कृति के घर से लगातार खाना और शिल्पा के घर से लगातार ही खाना आता ही रहता है,
आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं. बाकी मैं सोच रहा हूँ कि प्रीति विवान को किसी बात समझ में आए इन बातों से. नोटेड नोटेड. एक्चुअली मैं खुद कुक नहीं करती लेकिन मेरी मम्मी जो है बहुत अच्छा खाना पकाती तो माँ के हाथ का खाना. आई मैं व्हाट आई डू बाय सम डब्बास एंड ऑलरेडी गिव मी डब्बा अपने घर पे रख दूंगा. कलर कोडिंग करना पड़ेगा आपको. ग्रीन है मतलब. मैं दो दिन पहले खाना आया था फरक करते कड़ी चावल हमारा मेरा अभी. मेकअप और विदाउट मेकअप. मैं ये बिना मेकअप के रह नहीं सकती. ऐसे एक्टर लोग हैं. एक्चुअली आई हेट मैं तो क्या करूं कि आप लोगों का काम है. मुझे आदत नहीं है इसको. आदत नहीं है मेरे को तो आदत नहीं. बट अभी मतलब जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से मतलब कर लो. ऑनलाइन शॉपिंग और मॉल्स. ऑनलाइन नाउ. Yeah, online, online, मुझे बहुत बोरिंग लगता है ऑनलाइन शॉपिंग. मुझे लगता है जब तक आप घूमने नहीं जाओ सामान देख विंडो शॉपिंग ना करो पहले उसके बाद क्या खरीदोगे. हाँ एक्चुअली द एक्सपीरियंस ऑफ इट इज गॉन. मतलब वो हाँ जरूरत पूरी करने के लिए फटाफट वो हो जाता है बट मजा जो है वो एक्चुअल शॉपिंग. आई थिंक वो शॉपिंग एक इवेंट होता है माँ के साथ जाके शॉपिंग करने वाला. मतलब दिवाली आने वाले शॉपिंग पे चलेंगे. अब तो ऐसा हो गया बैठे बैठे भी अब बस में बैठे फोन से ऑर्डर करके. हाँ एग्जैक्टली. आप यू मिसिंग दैट एक्सपीरियंस. तो बाकी वो करना चाहिए. मैं तो अभी भी जाके मतलब शॉपिंग कर लेता हूं. ओके लास्ट वेब सीरीज और मूवीज. डैम टफ. आई थिंक अभी अभी फिलहाल जिस तरह हालत चल रही है आई थिंक वेब सीरीज. नहीं आई डोंट एग्री विद द हालत बिट बट या वेब शो गिव्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप अलग किस्म के मोर रिस्की रोल्स कर सकें और मोर रिस्की स्टोरीज बता सकें. और जवान सत्यप्रेम कथा और डंके आने की. और फिर यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ महारानी और फिर कफा फिर चमक और फिर स्कैम टू. तो मेरे को तो फिर वो फर्जी है. तो मुझे तो दोनों तरफ का बैलेंस करना पड़ा. मेरे एक अच्छी चीज़ होती है वेब सीरीज में कैरेक्टर को दिखाने के लिए और कैरेक्टर डेवलपमेंट में ज्यादा वक्त मिलता है बिकॉज स्क्रिप्ट में ज्यादा आई मीन दस ड्यूरेशन. फिल्म में वो नहीं होता ऑफ कोर्स बट फिल्म का एक अलग ही मजा है विच यू कांट कंपेयर. बट नाउ अभी जिस तरह से चल रहा है इट्स लेट मी से इट दिस वे द मेन डिफरेंस इज कंटेंट हैवी एज कंपेयर्ड टू एस्थेटिक यू नो थिंग. सो फिल्म इज मोर आल्सो अबाउट द एस्थेटिक एंड द ब्यूटी. दिस इज मोर कंटेंट स्क्रिप्ट ड्रिवन. So that is one thing. But listen, the joy of watching a movie in the theater. Yeah. As a family, as an Indian audience, yes. उसका कोई comparison. I would love to watch. Watching Pathaan Beti. But और किसी जवान को कल release करा दो. मैं ये बोल request करता था. Well, thank you so much. बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके.